हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने हमारे चैनल पे अपनी पेज स्ट्रेटजी सीरीज का सेकंड वीडियो डाला था नो ब्रेन स्ट्रेटजी के ऊपर। बहुत मेहनत लगी है उस स्ट्रेटजी पे, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आई हाईली सजेस्ट ये वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना। सो मैंने ये चैनल मेनली आपके साथ नए नए स्ट्रेटजी शेयर करने, बैक टेस्टिंग कितना जरूरी है ये समझाने के लिए, मल्टीपल स्ट्रेटजीज का बैक टेस्ट कैसे करना है और सबसे इम्पोर्टेंट उन स्ट्रेटजीज का असली विन रेट या फिर रिजल्ट्स क्या है आपको दिखाने के लिए बनाया है, ताकि मैं नए ट्रेडर्स को बहुत सारे मार्केटिंग ट्रैप से बचा सकूं जो ये यूट्यूबर और ट्रेनर्स करते हैं, ताकि इससे उनकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर 1% भी हेल्प होना बस मेरा गोल कंप्लीट हो जाता है उधर ही। इसलिए मैं बेसिक्स के ऊपर कभी वीडियो नहीं बना रहा था। मेरा सोचना था कि लोग दूसरी जगह पे ये वीडियो आराम से सीख सकते, यूट्यूब में तो वही चल रहा है हर जगह पर, और मैं लोगों की अलग से कैसे मदद कर सकूं। बट आपके कमेंट्स देख के मुझे समझ रहा है कि बहुत लोगों को टर्मिनोलॉजीज के बारे में आइडिया ही नहीं है, और ट्रेडिंग करते हुए जो बेसिक चीजें होती है जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए उसके बारे में किसी को नहीं आइडिया। इसलिए ये वीडियो में मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ और एक नया सीरीज बना रहा हूँ ट्रेडर बेसिक सीरीज करके, जहाँ मैं आपके साथ बेसिक बट इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करूंगा जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए। जैसे इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। आई डोंट नो मैं इस सीरीज पे आगे और वीडियो डालूंगा कि नहीं, वो सब आपके रिस्पॉन्स पे होगा और मेरे को समझेगा कि मेरे को ऐसे और वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करना। लगे हाथ, अगर आप में से किसी ने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए आज हम ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात भी नहीं करते। सब आपको बोलेंगे कि ये स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी है, नो ब्रेन स्ट्रेटजी है या फिर नो लॉस स्ट्रेटजी है, बट बेसिक्स के बारे में बहुत कम लोग ही आपको बताएंगे कि आपको कोई भी ट्रेड करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कमोडिटी, फोरेक्स, क्रिप्टो एक्सेट्रा किसी में भी ट्रेड करते हो। रिस्क मैनेजमेंट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एनी ट्रेडर। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्यों जरूरी है। लेट से आपने आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से एक ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ लिया है जो आपको पैसे बना के दे सकता है। वो स्ट्रेटजी कितना भी अच्छा हो, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे तो वो स्ट्रेटजी पैसा गवाएगा ही। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले आपको ये तीन चीज पता होनी चाहिए, विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा ये चीज और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जिनको नहीं पता। विन रेट बेसिकली एक परसेंटेज होता है कोई भी स्ट्रेटजी का। लेट से आपने स्ट्रेटजी को 100 टाइम्स यूज किया है, उसमें से कितने टाइम वो विन हुआ है वो उसका विन रेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेटजी है जिसका विन रेट हम बोलते हैं कि 60% है, तो अगर आपने वो स्ट्रेटजी 100 टाइम्स यूज किया है तो 60 टाइम्स वो स्ट्रेटजी का रिजल्ट विन था और 40 टाइम्स उसका रिजल्ट लूज था। बेसिक फॉर्मूला विन रेट का आपके स्क्रीन पे है। विन रेट इज इक्वल टू विनिंग ट्रेड डिवाइड बाय द टोटल ट्रेड। आई होप विन रेट क्लियर है, इतना हार्ड नहीं है विन रेट। अभी नेक्स्ट है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है आप कितना पैसा रिस्क कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आप कितना पैसा कमा रहे हो। जैसे एक रिस्क रिवॉर्ड अज्यूम करते कि 2:1 है, तो अगर आप 500 रुपीज रिस्क कर रहे हो तो आप 1000 रुपीज कमा रहे हो। बेसिकली हर एक रुपीज के लिए आप 2 रुपीज कमा रहे हो इस एग्जाम्पल में। वैसे ही लेट ए रिस्क रिवॉर्ड 1.5:1 है, तो आप हर 500 रुपीज पे आप 750 रुपीज कमा रहे हो। और जनरली जैसे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है कोई भी स्ट्रेटजी के लिए उसका विन रेट डिक्रीज होता जाता है। एक टेबल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई भी आप स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो और लेट से आपने उसका एक रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड किया है, तो आपको ये लिस्ट से समझ जाएगा कि आपको मिनिमम विन रेट कितना चाहिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो इसलिए हम जब भी कोई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं या फिर बैक टेस्ट करते हैं तो सिर्फ विन रेट नहीं देखना रहता, आपको उसके साथ उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना है, टेस्ट ड्यूरेशन क्या है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। ये सब हम किसी और वीडियोस में कवर करेंगे अगर इस वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिला तो। अभी बात करते हैं मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है पोजीशन साइजिंग या फिर जिसको रिस्क पर ट्रेड भी बोलते हैं। जब भी मैं न्यू ट्रेडर से बात करता हूँ दे आर मोस्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड लोअर प्राइस स्टॉक। उनको जब मैं बोलूंगा रिलायंस में ट्रेड लो तो वो बोलेंगे सर रिलायंस का शेयर 2200 का है और मेरे पास सिर्फ 10,000 है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 स्टॉक ही ले पाऊंगा, और वो अगर 10 रुपीज भी ऊपर गया रिलायंस तो मैं 40 रुपीज ही कमाऊंगा। आप मुझे कैस्ट्रॉल इंडिया में ट्रेड बताओ, वो अराउंड 120 रुपीज है, तो मैं 83 क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो इस हिसाब से अगर वो भी 10 रुपीज ऊपर जा रहा है तो मैं 830 रुपीज कमा रहा हूँ। इसलिए आप मुझे प्लीज कैस्ट्रॉल इंडिया में ट्रेड बताओ। You serious? एग्जैक्टली यही रिएक्शन होता है मेरा। लॉट ऑफ न्यू ट्रेडर्स का ऐसे ही माइंडसेट होता है। पहली बात, उनको ये नहीं समझता
अगर आप रिलायंस में 10 रुपीज ऊपर बढ़ने की बात कर रहे हो, दैट्स लाइक 0.45%। वो तो कोई भी स्टॉक ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है बिना एनालिसिस के। बट जब आप कैस्ट्रॉल इंडिया में अगर 10 रुपीज का मूव बोल रहे हो, दैट्स लाइक 8.33% गेन, 8% इन अ स्टॉक बहुत रेयर है और बहुत बड़ा मूव है। जब तक उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं हो या फिर कोई एक्सट्रीमली गुड न्यूज नहीं आया हो, और जब ये 8% मूव होगा तो ऑब्वियसली वो टॉप गेनर में ही आ जाएगा। ऑब्वियसली आप टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर्स को टारगेट नहीं कर रहे हो। अगर वो माइंडसेट से आप मार्केट में आए हो तो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग, नहीं कमा पाओगे आप। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी स्पेसिफिकली टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में टारगेट नहीं करता है। ऑब्वियसली वो राइड करते हैं अगर उनको ऐसा ट्रेड मिल गया तो, बट वो लोग स्पेसिफिकली फोकस नहीं करते इन दोनों पे, क्योंकि वो पकड़ना इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी कर लो, भले आपको बोलते रहेंगे लोग टॉप गेनर टॉप लूजर, वो बहुत बड़ा क्लेम है। और आपको अगर कोई बोल रहा हो तो ऑब्वियसली आपको वो स्कैम कर रहा है और अपना कोर्स बेच रहा है। आपको हमेशा स्टॉक को परसेंटेज में देखना चाहिए, प्राइस पे नहीं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, वो ये है कि वो ये नहीं देखते कि वो ये ट्रेड लेंगे तो कितना कमाएंगे। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो मैं कितना गवा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, और फिर उस पे डिसीजन लेते हैं कि उनको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू शुड ऑलवेज नो हाउ मच आर यू गोना लूज बिफोर प्लानिंग हाउ मच आर यू गोना गेन। और एक ट्रेड में मैक्स कितना गवाना है ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए फिक्स रहता है, एंड दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर पोर्टफोलियो। जनरली इफ यू आर एन बिगिनर सो आपको 1% से 2% मैक्स जाना चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप हायर जा सकते हो, बट दैट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। और ये सब कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप क्वांटिटी डिसाइड करते हो। बेसिक फॉर्मूला ऐसा है, लेट्स से आपका कैपिटल 1 लाख का है और आपका पोजिशन साइजिंग और रिस्क पर ट्रेड जो भी आप बोलना चाहो 1% है, तो चाहे आप रिलायंस का ट्रेड लो या कैस्ट्रॉल का ट्रेड लो, मैक्सिमम अमाउंट जो आप एक ट्रेड में गवाओगे वुड बी 1% of 1 lakh, दैट इज 1000। सो अब ये 1000 के हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करना है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो लेट्स से आपको एक ट्रेड लेना है एक स्टॉक में, और आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको 100 रुपीज पे एंट्री लेना है, 95 रुपीज पे उसका स्टॉप लॉस है, 110 रुपीज उसका टारगेट है। आपका कैपिटल 1 लाख का है और आपने डिसाइड किया है कि 1% आपका पोजीशन साइजिंग है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना क्वांटिटी लेना है जिससे आप मैक्सिमम 1% ही गवाओगे आपके पोर्टफोलियो का। सबसे पहले वो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। रिस्क पर ट्रेड आपका 1% of 1 lakh है, दैट इज 1000 रुपीज। अभी चलिए कैलकुलेट करते हैं कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस पॉइंट निकालना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपने सिर्फ एक क्वांटिटी में ट्रेड लिया होता तो आप कितने पैसे गवाते वो आपको कैलकुलेट करना है। इस एग्जांपल में देखिए एंट्री प्राइस 100 है और स्टॉप लॉस 95 है, तो अगर आप 100-95 करोगे तो एक क्वांटिटी में आप 5 रुपीज गवा रहे हो। और जैसे आपने ऊपर डिसाइड किया कि आपको एक ट्रेड में मैक्स 1000 रुपीज गवाना है, तो आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी होगा रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट। सो ये एग्जांपल में 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी हुआ 200। तो आप देख सकते हो अगर आपको 200 क्वांटिटी उठाना है तो आपको 20,000 रुपीज यूज करना होगा, और अगर आपका एनालिसिस बराबर हुआ तो आप 2000 रुपीज कमाओगे। और ये 2000 रुपीज कैसे डिसाइड किया, आपका टारगेट पॉइंट इंटू क्वांटिटी। टारगेट पॉइंट बेसिकली टारगेट माइनस एंट्री। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आपने एक और एनालिसिस किया और आपको एक स्टॉक मिला जिसका एंट्री प्राइस 2000 है और आपका स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया कि 1990 है और आपका टारगेट है 2020। सेम आपका कैपिटल 1 lakh है और आपका रिस्क पर ट्रेड भी 1% है, और आप ये ट्रेड में मार्जिन नहीं ले सकते हो। ओके, एग्जांपल में आप मार्जिन नहीं ले सकते हो। सो अभी आप कितना क्वांटिटी ट्रेड करोगे ये आपको कैलकुलेट करना है। सेम पिछले एग्जांपल जैसा, रिस्क पर ट्रेड आपका 1% of 1 lakh है, दैट इज 1000, एंड स्टॉप लॉस पॉइंट सेम आपका एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, दैट इज 10 रुपीज। तो क्वांटिटी आपका हुआ 1000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 100 क्वांटिटी, राइट। कैलकुलेशन बराबर है, बट आपके पोजिशन साइजिंग और कैपिटल के हिसाब से आपको 100 क्वांटिटी लेना चाहिए। आप जब हिसाब लगाओगे 100 क्वांटिटी ऑफ 2000 रुपीज शेयर प्राइस स्टॉक वुड बी अराउंड 2 लाख रुपीज, और आपके पास सिर्फ 1 लाख का कैपिटल है, तो आप ऑब्वियसली 100 क्वांटिटी नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। आप 100 के बदले इधर 50 लोगे, क्योंकि आपको 1 लाख रुपीज में से 50 स्टॉक्स ही आएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वांटिटी डिसाइड करना रहता है, हमेशा फॉर्मूला में जो आया उतना नहीं आएगा। आई होप मैं क्लियर हूं। हाँ, अगर मैं मार्जिन के साथ ये चीज ट्रेड कर रहा हूँ इंट्राडे में, सो ऑब्वियसली आप ये ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में अभी शायद 5x मार्जिन मिलता है। सो आपका जो कैपिटल 1 लाख का है वो 5 लाख के इक्विवेलेंट हो जाता है। तब अबाव एग्जांपल के हिसाब से आप 100 क्वांटिटी ले सकते थे। एक और चीज जो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जो क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन है, आपको बिना मार्जिन के ही आपको कैपिटल लेना है। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंट्राडे में लेवरेज मिलता है तो उसके साथ मेरा कैपिटल 1 लाख का कैपिटल 5 लाख हो गया, तो 1% के हिसाब से मेरे को मैक्स 5000
1000 rupees का रिस्क लेना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका 5000 divided by 1 lakh इज नॉट 1%, इट्स 5% ऑफ योर कैपिटल। ऐसे ही लेवरेज की वजह से लोग अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। और एक चीज, लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया और आपका ट्रेड राइट निकला, तो आपका कैपिटल 1 lakh से 1 lakh 1000 हुआ। तो नेक्स्ट ट्रेड जब आप रिस्क पर ट्रेड निकालोगे कैलकुलेशन में, तो आपको 1 lakh 1000 अज्यूम करना है कैपिटल में। और लेट्स से अगले ट्रेड में आपको लॉस हुआ और आपका कैपिटल 90,900 हुआ, तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करते वक्त आपको कैपिटल 90,900 अज्यूम करना है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ये एग्जांपल कैलकुलेट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना। अगर आपका कैपिटल 60,000 है और आप इंट्राडे कर रहे हो, दैट इज 5x लेवरेज, और आपका एनालिसिस के हिसाब से आपको रिलायंस में एक ट्रेड मिल रहा है विद एंट्री प्राइस एज 2563 और आपका स्टॉप लॉस है 2559 का, टारगेट है 2570, तो इस एग्जांपल में आप कितने क्वांटिटी में एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो? अगर आपका ट्रेड बराबर निकला तो आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, और अगर गलत निकला तो आपका कितना मैक्सिमम लॉस होगा, ये कमेंट में जरूर बताना। आई विल बी वॉचिंग। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ये सब जो भी हमने ऊपर बोला वो क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स अज्यूम एक सेटअप है जिसका विन रेट 50% है और इसके रिवॉर्ड 2:1 है, और दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। लेट्स अज्यूम दोनों का इनिशियल कैपिटल 1 lakh है। पर्सन ए बहुत केयरफुल ट्रेडर है, ये वीडियो देख के उसने डिसाइड किया है कि प्रणीत जी ने बोला है अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपको 1% के आसपास ही पोजीशन साइजिंग रखना है, इससे आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। और पर्सन बी ने सोचा नहीं, 1% से मैं क्या ही कमाऊंगा, मेरे को मेरे पैसे जल्दी डबल करने हैं, के लिए मैं 60% पोजीशन साइजिंग रखूंगा। तो ये एग्जांपल से देखिए, ये लेफ्ट साइड में हम लोगों ने रैंडमली 10 विन और लॉस सिनेरियो लिखा है, इन 10 ट्रेड्स में 5 विन है और 5 लॉस है, तो बेसिकली 50% ही विन रेट हुआ। रिस्क रिवॉर्ड भी इधर ऊपर देखे, सो बी केस में देखिए उसने ऑलमोस्ट 47,200 rupees गवाया एट द एंड ऑफ द डे, और ए ने 4,996 rupees कमाया बाय जस्ट फॉलोइंग रिस्क रिवॉर्ड। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ रहा है कि ये 1% लोग क्यों रखने बोलते हैं। और एक और चीज, ये एग्जाम्पल एक्सट्रीमली हाई मार्जिन के साथ है, आप 60% ऐसा ट्रेड नहीं ले पाते हो बहुत सारे केस में, पहले एक टाइम पे मिलता था बट अभी नहीं मिलता है। तो चलिए ये वीडियो यही खत्म करते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको UPI ID स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमें वहां पर सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज कमेंट में आपका फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियो भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।